कांग्रेस के दिग्गज की पलटन वायनाड पहुंच चुकी है। वायनाड कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीट है, इसे कांग्रेस का कोर सीट भी माना जाता है। वहीं वायनाड से अब तक राहुल गांधी अपना नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी को इस सीट पर कांग्रेस ने उतारा। वहीं इस सीट पर जमकर समर्थन और प्रचार करने कांग्रेस के धुरंधर ने कमर कस ली है। कल वायनाड से प्रियंका गांधी नामांकन भरेंगी, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से भव्य रोड शो का आयोजन भी होगा। इस रोड शो और नामांकन के दौरान प्रियंका की मां सोनिया गांधी पार्टी प्रमुख मौजूद होंगे। उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसका हिस्सा होंगे। बताते चले, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कल यानी 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए केरल के लिए रवाना हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी इस उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होंगी और उनकी उम्मीदवारी को पार्टी के लिए अहम बताया जा रहा है। उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। इस चुनाव में प्रियंका गांधी की उपस्थिति ने राजनीति में काफी हलचल मचा दी, खासकर इस इलाके में जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी बेटी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के लिए केरल के वायनाड में प्रचार करेंगी, जो अपना पहला चुनावी मुकाबला लड़ रही हैं। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुने गए थे। बाद में उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया, इसके चलते यहां से उपचुनाव जरूरी हो गया, जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से बतौर उम्मीदवार उतरी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.